थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना ये गेट के आगे आ जाते हैं। सुबह सुबह खोलना होता है इनको, आज तकरीबन आधा घंटा लेट हो गया हम तो। क्या करता हूँ मैं इनको सबसे पहले खोल देता हूँ। आ जाओ भाई, ओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ शाबाश 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 शाबाश। ये टर्की बर्ड्स है ना, ये रात को बंद ही नहीं हुए यार, क्योंकि ये बहुत तंग कर रहे थे। कभी मास्टर केज की छत पे बैठ जाते थे, कभी इस छत पर अंदर ही नहीं जा रहे थे। तो हमने कहा भाई ऊपर ही रहो तुम लोग, आज आपको बंद नहीं करते। और ईगल साहब भी आज इधर ही हैं, क्योंकि यार सर्दी होती है ना बाहर, तो मैं इसको मुर्गियों के साथ ही बंद कर देता हूँ। कुछ भी नहीं कहता उनको, आराम से बैठा रहता है। और अभी ये रोटी को देख रहे हैं काफ़ी देर से, तो इसको खिलाने की कोशिश करता हूँ। खाते नहीं खाता। हाँ नहीं भाई, कौवा थोड़ी है। आ जाओ। ओ भाई ये है इनका दाना, उस दिन मैंने ना गोल करके डाला था, आज मैं इसे लाइन में डालूंगा। एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर। ऐसे भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस शेप में मैंने खाना डाला, देखे कितने प्यारे लग रहे हैं सब। इस तरह से लड़ेंगे भी नहीं और आराम से अपना खाना भी खा लेंगे। और ऐसे देखे ना, खुले खुले होके खा रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एक मिनट यार देता हूँ। थोड़ी देर पहले बकरियों को बाहर निकाल दिया था, तो अब क्या करना है, इनको घास देना है, क्योंकि इन्होंने किचन वाले जो था ना, जो सब्जियाँ वब्जियाँ होती हैं वो नहीं खाई शौक से। तो ये वाला घास डालता हूँ, ये खाएंगे। ओह चलो भाई अब खाओ। तो यार ये वाला घास कभी कभी ना गंदा भी आ जाता है, देखें इसमें कचरा काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई जो मिलता है वो लेना पड़ता है, क्या करें यार। खैर ये खा लेंगी, फ्रेश है ना, खा लेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आंखें दोस्तों बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, तकरीबन 5 से 6 दिन लगे हैं इनको रिकवर होने में। काफ़ी भाइयों को पता होगा मेरा ऑपरेशन हुआ था यार आंखों का, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं का दोस्तों नतीजा है, आप सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए, आपको जल्दी से सेहत दे, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों क्या करते हैं कि इन बकरियों को ना वापस अपने घर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। और कुछ लाया हूँ, ये क्या है? ये है भाई, अभी बताते हैं, इसको खोलते हैं फिर, या तुम जो कर रहे हो ना कर लो। इनको शिफ्ट कर देते ना आराम से, फिर खोलेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। अकेले उठा लोगे? नहीं यार, जाओ अंदर जाओ, नीचे रख दो। जाओ भाई जाओ 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 जाओ, चलो भाई चलो चलो। कैसा घास लेके आए थे आज? सही नहीं भाई, मसला ये था कि घास था ही यही पूरी मार्केट में यार, मैं फिरा हूँ घास नहीं मिल रहा था। अच्छा मैंने कहा कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो भूखा तो नहीं मारना चाहिए ना इनको, तो ये ले लिया आज यार। भाई जो आपने कल माली देखा था ना हमारा, वो एक दिन छोड़ के आता है, कभी एक दिन इतना ज्यादा ले आता है, कभी 2 दिन छोड़ देता है, मतलब उसकी कोई रूटीन नहीं है। जहाँ से उसको मिलता है ले आता है, क्योंकि अब खुद तोड़ना पड़ता है ना, सिपता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। हाँ मेरे मेरे जहन में एक चीज आई है। क्या यार, इनका घर तोड़ते हैं आज खरगोशों का? पक्की बात है? हाँ, चेक करते हैं ये अंदर बच्चे हैं भी या नहीं है। आओ। सही बताओ यार। हाँ। वाकई में? हाँ। यहाँ से क्यों कर रहे हो? यहाँ से काटो ना सीधा सीधा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। चेक करते हैं बच्चे देखने हैं ना। अच्छा तो भाई पता नहीं दुराब के जहन में क्या चल रहा है, तो ये काट रहा है इसको। 2 महीने हो गए इन्होंने सुरंग बनाई हुई अपने। अच्छा। बच्चे भी बाहर नहीं निकले, यहाँ से थोड़ा सा होल करके हम देख लेंगे, अगर बच्चे होंगे तो पता चल जाएगा। हाँ ये भी सही है वैसे आइडिया तुम्हारा। देखो ना यहाँ पर, अब मेरे ख्याल में इस पे होगी खला है अंदर, देख रहे हैं। ख्याल करना, ये लग ना जाए किसी को। भाई यहाँ से आके ना फिर यूं जा रही है सुरंग, ये इधर आ रही है शायद, अब देखते हैं। गहराई में ही है बहुत ज्यादा यार ये। ओ भाई इनको बहुत घर ही नहीं मिल रहा, कहाँ खुदाई कर रहे हो तुम? बहुत कर चुका हूँ भाई। ओ भाई हाथ नहीं जा रहा मेरा तो। ओ पहुंच गया। हाँ थोड़ा बाकी खला है आगे। हाँ अभी नजर नहीं आएगा, एक मिनट। हाँ इधर जा रहे। बच्चे बड़े हो गए? नहीं यार ये माँ बाप होंगे अगर बच्चे होंगे तो उनके। यार यहाँ से हमने ना इसका कनेक्शन बना दिया ऐसे, ठीक है ना। अब हमें पता है इधर से इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ से मुड़ रहा है वापस इधर आ रहा है। कहाँ से? यहाँ पर एंड पॉइंट पे आते हैं। हाँ क्या पता यहाँ पर बच्चे हो 5-6। हाँ अगर यहाँ पर बच्चे हुए ना, हम उनको निकाल के ना आगे किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे। निकालना नहीं है। अच्छा कवर कर लें। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमने ये वाला सुराख भी कर लिया। ये एंड पॉइंट है भाई, इधर हाँ। देखता हूँ अब हाथ मारता हूँ। देखो कुछ यार बच्चे तो नहीं है, नहीं तो उम्मीदें छोड़ दें हम।
हाँ ऐसा ही है, ये देखिए यहाँ पे भी हमने सुराख किया है, वहाँ पे भी देख लिया हमने, इधर नहीं है इस एरिया में, इस एरिया में चेक कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है सिद्धान, पक्की बात है? हाँ। अरे यार कुछ नहीं है भाई, ये देखा गहरा, देखा है गुफा बनाई हुई है, गहरी बनाई हुई है इन्होंने, काम ही नहीं और इनको कोई। वो देखो बैठा है भाई, बता दो यार कोई बच्चे बच्चे हैं तो यार हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये है वो यार व्हाइट खरगोश जो इधर अंदर था, बड़ी मुश्किल से निकला ये। हाँ फर देख रहे हो, देख रहे हो ये फर, मतलब ये कि इन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है यार, है ना भाई जान, बच्चे हैं अंदर। फिर कहाँ पे होगी फर? मुझे लगता है यहाँ पर जाकर ना, फिर ये वापस इधर से ना बनाया हो इन्होंने। चलो बंद करो भाई सब, बंद नहीं करो। हाँ। यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, ये खुला रहने दो, ऐसे कुछ नहीं होता इनको। नहीं हाँ तो आप अच्छा, हाँ ऐसे इसको फिर कवर कर दो सही से। हाँ इसको कहाँ पे, ये देखें ये रहे व्हाइट वाली, ये है वो व्हाइट वाली, ये फीमेल है ना तो आप? हाँ हाँ फीमेल है। इसके पास थे फर, मतलब इसने फर अपनी निकाली हुई दोस्तों, ये देखें ये फर है इसकी, इसका बच्चे देने वाले हैं या मतलब दे दिए, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कुछ तो पता चला सिर्फ दैन, इतना तो पता चल चुका है यार, इतनी मेहनत करने का ये फायदा हुआ है कि हमें कंफर्म हो गया कि बच्चे देने वाले हैं या दे चुके हैं। इधर उधर होते रहेंगे, तीन सुराख बन गए इनके, इनके रास्ते अब ज्यादा खुल चुके हैं, ये वाला है, ये वाला है और एक वहां पर है। ये तो यार बहुत खुशी की बात होगी, हमें पता चल चुका है हमारे खरगोश फाइनली बच्चे देने वाले हैं, गुड हो गया। मैं चाहता हूँ यार यहीं पे ही बच्चे दे दे ताकि हम देख भी सकें, दुआ करें कि यहाँ पर ये बच्चे दे दे, इसका दिल मुझे यही लग रहा है कि यहीं पे देगी, अल्लाह करे यहीं पे दे दे। ये मेरे ख्याल में मेल है, वो फीमेल थी। तो आपको पता होगा हमने कितनी मेहनत से इस फाउंटेन को बनाया था, फिर इसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करते हैं हम, सफाई करते हैं हर दो दिन तीन दिन बाद मछलियाँ निकालते हैं, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है, हम क्या करें यार आप बताएं। और तो और मैंने कलर भी किया था, बजर भी हमने निकाल के वहाँ रख दी थी, लेकिन हम नाकाम रहे यार, इस फाउंटेन का कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ हम पानी ही चेंज करेंगे अब बस, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। इसको तो खोलो सीखा, हाँ खोलता हूँ यार। क्या चीज़ मंगवाई आखिर तुमने, दो तीन चीज़ें मंगवाई थी, कौन सी आ गई है भाई? एक मिनट, ये है, खोलने दो, निकालो इसको। तो भाई ये है हमारा स्टील का हीटर, जो कि हमारी मछलियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जी हाँ, ये कितने वाट का पता है? कितने का? 500 वाट का है, यानी कि कोई भी मसला नहीं होगा मछलियों को, हीट मिल जाएगी। ओहो, ये है स्टील का हीटर, इसका ये फायदा है कि टूटेगा नहीं। आपको पता होगा पिछला हीटर कैसे टूटा था, ग्लास का था ना, वो टूट गया था। ये पायदार भी है, ये अच्छी क्वालिटी का है तो खराब नहीं होगा। तो यार ये वाला हीटर जो है ना ग्लास वाला, इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये वैसे बंद किया था मैंने। वो इसको क्या हुआ है, ये क्या चिपका हुआ है इसको? पहले दिन पता क्या हुआ था, मैंने इसे निकाला था, फिर ये गर्म था, मतलब फिर मैंने क्या किया, इसको पानी में ऐसे डाला था, लेकिन एक बहुत कम गर्म है, इसको कुछ नहीं होगा। फिर मैंने ऐसे किया था, ऐसे फटक की आवाज़ आई थी, फिर ये हीटर टूट गया था। कभी भी ऐसा नहीं करना, ग्लास वाले हीटर को निकाल के दोबारा नहीं डालना। तुम सफाई करो, मैं इसको रख दे, इसको रख दो कहीं पे। तो यार अभी मैंने क्या किया, पानी निकाल के ना नया पानी डालना शुरू कर दिया है, कुछ फर्क आया है यार, लेकिन इतना नहीं आ रहा, इसकी प्रॉपर सफाई करने में टाइम लगेगा। और प्रॉप को भी थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो उसने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरी आंखों में जलन सी फील हो रही है, तो वो नीचे चला गया है। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये हीटर जो है ना ये लगाता हूँ, फिक्स करता हूँ, और देखते हैं कि इसका क्या, कितनी हीट है, हमारी मछलियों के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो ये लगाते हैं अभी, और यहाँ से और इधर से। इसको लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी जो है ना हम हीट भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आप नॉब देख रहे हैं ना इसे घूमने वाली, इससे ना आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मैंने ना 30 पे किया हुआ है तकरीबन, तो देखेंगे अगर बढ़ाना हुआ या कम करना हुआ तो वो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से, चले जी ये फिक्स हो गए। तो ये स्विच लगेगा इसके अंदर, यार फिर आंखें खराब हो जाएगी मेरी। लगाओ, कुछ नहीं होता यार, इतना काम नहीं है ये। अभी तुम कह रहे थे मैं ठीक हूँ यार, अब क्या हो सकता है, अब जलन हो रही, अभी ये काफी इतना। तो मैं यार स्विच लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये देसी जुगाड़ किया हुआ हमने, ये हिल जाता है भाई, हट जाओ। तो चलें जी इसको मैं लगा रहा हूँ और बटन ऑन कर देता हूँ, अब देखते हैं कि हीटर चला के नहीं, कैसे पता चलेगा। चल हाथ लगाते हैं, अगर करंट लगाता हूँ इसका मतलब चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो चलो ठीक है, अब मछलियों को खुराक भी डाल देते हैं। हाँ डाल दो यार, बस काफी है, कम डालते हो यार तुम, मैं ज्यादा डालता हूँ और तुम कम डालते हो। ठीक है ठीक है, थोड़ी सी और डाल लो, मेरा दिल ऐसे मुतमाइन नहीं होता यार। हाँ बस काफी है,
और आज दोस्तों हमारे मिनी जू में कोई काम नहीं हुआ। अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या बनवाएं, किस जगह क्या चीज़ बनवानी चाहिए। और आपको भी मैं कहूँगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में गाइड कर दीजिएगा कि हमें किस जगह कौन सा पिंजरा बनवाना चाहिए, फिर जाके हम ना कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या क्या रखें इधर, क्या क्या बनवाएं। तो इंशाल्लाह यार हो जाएगा काम। मैंने एक दो दिन सोचने के लिए ना छोड़ दिया है कि कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। और अभी दोस्तों हमारे छत पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है क्योंकि आज सारा दिन हमारी बकरियाँ यहाँ पर रही हैं और अभी जाके हमने इनको बंद किया है। अब शाम का टाइम हो गया है, अब हम अपने सारे परिंदों को बंद कर देते हैं, अपने अपने घर में शिफ्ट कर देते हैं। तो यार शाम हो चुकी है, देखें इनको थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना खाना तो देखें कैसे पीछा करते हैं। भाई दे दो यार तरस, खा लो हमारे ऊपर। ये हो जाता है यार कभी कभी ना, ऊपर नीचे हो जाता है, आखिर हम भी इंसान है, भूल जाते हैं कभी कभी। तो तकरीबन हम इनको एक घंटा लेट दे रहे हैं आज की डाइट। खाओ भाई खाओ भाई खाओ भाई खाओ भाई, और भी दो और भी दो, तुरा और भी दो। आ रहा हूँ। सही है भाई। और हमारी कुछ मछलियाँ भी हीटर के करीब आई हैं, यानी कि सेक रही हैं। तो अभी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है उधर की। ये देखें इतनी सारी मछलियाँ ना हीटर के करीब चिपकी हुई हैं, मतलब कि हीट ले रही हैं। इनको मज़ा आ रहा है तभी इतना करीब आई हुई है हीटर के। इतना जल्दी पानी गर्म नहीं होगा लेकिन इतना होगा कि मछलियाँ जो है ना खुद को सेक दे सकती हैं इस तरह से। देखें कैसे वो वाइट वाली आई हुई है करीब उसके, देखें मज़ा आ रहा होगा इनको। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।